माँ बनभोरी देवी परिवार चंडीगढ़ की ओर से शिव मानस मंदिर इंडस्ट्रियल एरिया फेस दो में 26 जनवरी से तृतीय माँ भ्रामरी देवी शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परम श्रद्धे की श्री कीर्ति किशोरी जी भागवत विदुषी अपने मुखारविंद से भक्ति रस की सरिता का प्रवाह कर रही है। बुधवार को इस कथा में ब्रह्म कुमारी बहन कविता जी भी पहुंची, जिन्होंने एक व्यक्ति को धर्म के साथ जुड़े रहने के बारे में विस्तार से समझाते हुए श्रद्धालुओं को ज्ञानवर्धन किया। गर्ग जी, इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में शनिदेव मंदिर के अंदर जो ये भागवत कथा हो रही है, ये आप कितने समय से करवाते आ रहे हैं और आपकी संस्था का क्या नाम है? संस्था ने आज तक क्या क्या कार्य किए हैं? हमारी संस्था का नाम माँ भरमौरी परिवार है और ये हम तीसरा माँ सत्संडी यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा करवा रहे हैं और ये शिव मानस मंदिर चंडीगढ़ के अंदर करवा रहे हैं। और जी उद्धार इसका ये है कि भाई यज्ञ से जो मतलब फल मिलता है लोगों को, जो प्राप्ति होती है, वह लोगों का उद्धार हो, तो इसलिए हम इस यज्ञ को 3 साल से लगातार करवा रहे हैं और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिल रहा है हर आदमी को। जो यज्ञ में आहुति डालता है उसको बहुत बहुत फ़ायदा मिलता है, माता बनभोरी का आशीर्वाद मिलता है। जो माँ बनभोरी कमेटी बनाई हुई है आपने, इसमें कितने सदस्य है सर हैं जो आप लोग मतलब ये सेवा कार्य कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए? इसमें सदस्य जो है 18 सदस्य हैं जो परमानेंट सदस्य हैं और वैसे इसके साथ करीब करीब 150 से 200 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। देखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि यह जो हम माँ भनभोरी परिवार है, हमने जो 3 साल पहले इसकी स्थापना की थी, पवन गर्ग जी के पास शिवकुमार पंडित जी भनभोरी धाम से चल के आए, उन्होंने हमारे को, मैं था, पवन गर्ग जी थे, राजेंद्र गर्ग था और सोनी गोयल थे और लालजीवल गोयल थे, 3-4 लोग थे जो इन्होंने आकर के बोला कि यहाँ पे आप सत्संडी यज्ञ करवाइए। देखिए, भागवत हर जगह होती है लेकिन यज्ञ हमारी भनभोरी परिवार का, भनभोरी माता का कहीं पे नहीं होता। यह एक बहुत अच्छा हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ जो हमने पहली बार ये उनकी मानी, वहीं से आदेश हुआ था माँ के दरबार से। माँ भनभोरी धाम बहुत बड़ा धाम है, वहाँ पे बड़ी दुनिया आती है, बड़े फल मिलते हैं, लोगों का उद्धार करती है माँ भनभोरी, उसको हम भ्रामरी देवी के नाम से भी जानते हैं। और चंडीगढ़ में उनके बहुत परिवार हैं, उन परिवारों से हम मिले, उन परिवारों ने हमारे को यही सुझाव दिया कि आप जो ये सत्संडी यज्ञ करवाने जा रहे हैं हमारे को सदस्य बनाइए। उन्होंने धक्के से हमारे को बड़ी फ़ोन कर करके, पवन जी के पास भी बड़े फ़ोन आते हैं, हमारे पास, मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और अब जो हमारा ये तीसरा उत्सव जो चल रहा है, तृतीय सत्संडी यज्ञ हमारा इसका नाम है, और इसमें जो लोग आ रहे हैं वो कहते हैं हमारा उद्धार हो गया। और हमारा मेन लक्ष्य यही है कि हमारी माँ बनभोरी देवी, जितने हमारे परिवार के अंदर 135-140 के करीब बना दिया, अंदाज़ा 150 के करीब हमारे परिवार जुड़े हैं, वो आगे और भी कहते हैं कि वो हम तो बहुत पीछे रह गए। कुछ सदस्य हमारे इस बार नए जुड़े हैं, जो कि हमारे सदस्य 60-70 के करीब नए जुड़े हैं, पहले इतने नहीं थे, लेकिन अब इतना परिवार बढ़ता जा रहा है, हमें इसके बारे में आगे सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारा लक्ष्य और कोई नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ ये है कि यह जो माँ सत्संडी यज्ञ है ये लोगों का भला करे। और हम पूरी चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, बल्टाना, राम दरबार के अंदर भी माँ भनभोरी का मंदिर है, मणिभाजरा के अंदर भी राम भनभोरी माँ का मंदिर है, एक त्रिलोक बंसल जी हैं, उन्होंने अपने खुद अपने सेवा से अपने तन धन धन लगा करके माँ भनभोरी का मंदिर बनाया है, वहाँ भी लोग जाते हैं, भनभोरी मणिभाजरा टाउन में भी जाते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं, हमारा लक्ष्य आगे अच्छे कार्य करने का है। अगर यह हमारी संस्था आगे बढ़ती है तो हम कुछ लोगों से हाथ जोड़ करके, झोली फैला करके, पैसा इकट्ठा करके लोगों को भले के लिए कुछ अच्छे कार्य करने का हमारा भाव है। बाकी आगे माता की कृपा जो होगा, जय माता की। सर, जो आपका मकसद है, उद्देश्य है, एक ये मैं पूछना चाहूँगा कि जो मेंबर्स आपके बनते हैं, वो मेंबर्स क्या मतलब कैसे डोनेशन करते हैं? देखिए, हम किसी से अमाउंट नहीं बोलते। कोई हमें आटा दे रहा है, कोई हमें चावल दे रहा है, कोई घी दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई सामग्री, जैसी भी सामग्री इसमें यूज होती है, हम वो अपना आप देते हैं। हमारा पैसे से कोई मतलब नहीं है, जो भी जिसकी भावना होती है वो सामान इकट्ठा हो जाता है और यहाँ सेवा में लग जाता है। हमारा यही है, हमने कोई इसकी फीस नहीं रखी है,
और हम तो यही कहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़िए और सेवा करिए। यहाँ गर्ग साहब, जो यहाँ पे ये भागवत कथा चल रही है, जो यहाँ पे कीर्ति किशोरी दीदी जी हैं वो भागवत कथा कर रही हैं, इनको आप कितने समय से जानते हैं और कितनी बार ये यहाँ पर कर चुके हैं भागवत कथा आपके? देखिए, कीर्ति किशोरी जी का नाम सुना था हमने, ये 15-16 साल से 17 साल से भागवत कर रहे हैं। बचपन से ही इनका ध्येय था कि मैं अच्छा कार्य करूं, और ये अच्छे कार्य में चल रहे हैं। जैसे इन्होंने 11 सेक्टर में पिछले साल करी थी और अभी भी करने जा रहे हैं। कीर्ति किशोरी जी के मुखारबिंद से हमें जो आनंद आ रहा था, एक साल पहले मेरे घर में, मैं पंचकूला 11 में रहता हूँ, हमने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने उसी दिन से एक संकल्प लिया था। मैंने अपने कमेटी को बोला कि कीर्ति किशोरी की भागवत कराने का भाव है, तो वो भाव हमारे पूरे हुए। कीर्ति किशोरी जी की जो मुखारबिंद से जो अमृत वर्षा होती है, चंडीगढ़ पूरा उससे निहाल होता है। मैं माँ भगवती से, मेरी बनभोरी माँ परिवार से और बांके बिहारी से, कान्हा जी से यही प्रार्थना करता हूँ, कीर्ति किशोरी जी को आप आगे बढ़ाइए और ये लोगों को भला करें। और एक राधा माधव इनकी समिति है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लाजपत राय बंसल जी हैं, जो अच्छी संस्था चला रहे हैं, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को सुझाव दिया, मैं उनका भी भारी हूँ संस्था की तरफ से, और अच्छा कार्य कर रही है यह संस्था। धन्यवाद। जय माता की। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।